द जजमेंट डे विद ड्रू मैकइंटायर अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, कोडी रूड्स, सेमी ज़ेन, जे उसो एंड द वाइपर रैंडी ऑर्टन। जी हां गाइस, रैंडी ऑर्टन इज बैक। और भाई आज हम लोग खेल रहे हैं WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। भाई बाय द वे यहां पे जजमेंट डे आ चुकी है ड्रू मैकइंटायर के साथ में। भाई ड्रू मैकइंटायर, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, भाई साहब अभी किस लाइन में आ गए, विलन बन गए हो क्या? भाई उसको छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे हमारा हीरो आ चुका है। एक्चुअली में रैंडी ऑर्टन तो विलन है, बट भाई इतने टाइम के बाद मैं अपने विलन को देख रहा हूँ। भाई भाई सच्ची में यार आंखें तरस गई थी यार इसका रिटर्न देखने के लिए, बट फाइनली हमारा रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर आ रहा है। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? ये देखो भाई, इसका मैच के पहले ये हाल है। भाई लास्ट ईयर हम लोग ने जो वॉर गेम्स खेला था, जबकि लास्ट ईयर से तो WWE में वॉर गेम्स की शुरुआत हुई थी जो कि ब्लड लाइन के साथ में हुई थी, बट इस बार ब्लड लाइन नहीं थी तो मेरा कोई भी मन नहीं था इस मैच को बनाने का। बट जब मुझे पता लगा रैंडी ऑर्टन रिटर्न आ रहा है, फिर मैं क्यों नहीं बनाऊंगा भाई, कैसे नहीं बनाऊंगा। बट अब बहुत ज्यादा सैड बातें हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा मजा दिलाया जाए। तू उल्टा आरकेओ मारता है, उल्टा आरकेओ, वो भी आरकेओ के बादशाह को नहीं छोड़ूंगा। अबे ये तू कौन है बे? जेडी मैकडोना। अबे नहीं 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 भाई, ये क्या, मैंने सबमिट कर दिया। ओ सॉरी, थैंक गॉड रेफरी ने नहीं देखा था। ये भगवान कहाँ हो, चरण कहाँ है आपके, आपने मुझे बचा लिया। और अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने भी आके मुझे बचा लिया, साथ में दो चार लात घुसे हमारा रैंडी ऑर्टन भी खा चुका है। बट ये जेडी मैकडोना कौन है बे? जजमेंट डे में चल फिन बैलर, ड्रू मैकइंटायर, डोमिनिक तक का भी समझ में आता है, बट ये जेडी मैकडोना ही कौन है? तू है कौन रे? जब इसकी कोई हैसियत ही नहीं है हमारे रैंडी ऑर्टन के सामने खड़े होने की, फिर ये रिंग के अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इसको मैं खत्म करके रहूंगा, इसको कोने में लेके जाके एक डीडीटी, कम ऑन पिन, 1 2। अरे अबे ड्रू मैकइंटायर के बच्चे, मेरे को क्या झूले की सैर करा रहा है? भाई रैंडी ऑर्टन की हालत बहुत ज्यादा खराब है यार, मैंने सोचा नहीं था हमारा वाइपर रिटर्न करके आएगा तो फिर ऐसी हालत में होगा। भाई ये देखो ये क्या चालू है यार, ये मैच चालू की क्या चालू, क्या खिचड़ी पका हुआ है देख रहे हो? सब के सब कूदो, किस पे भी कूदो, फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या टीम है, अपने ही टीम मेट को मारो। भाई लास्ट ईयर के वॉर गेम्स में और इस साल के वॉर गेम्स में दो चीज सिमिलर है, जे उसो और ड्रू मैकइंटायर। लास्ट ईयर भी जे उसो था क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड लाइन का हिस्सा था वो, और ड्रू मैकइंटायर ब्लड लाइन के अगेंस्ट में था, यानी कि दोनों अलग अलग टीम में थे, और इस बार भी दोनों अलग अलग टीम में। तो भाई ये चीज किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रैंडी ऑर्टन खत्म कर दे इसको, 1 2। भाई कोई डोमिनिक के बच्चे तेरी, ये ले भाई, ये क्या खिचड़ी पका हुआ है यार, एक को मारता हूँ कोई दूसरा पीछे से टपली मारता है, उसको मारता हूँ तो कोई आगे से पेट पे मुक्का मारता है। भाई हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। भाई इसीलिए ना जब ज्यादा लोग होते हैं ना एक मैच में तो फिर खेलने को ही नहीं जमता है। भाई अभी कोडी रोड्स को क्या हो गया? आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर। अबे ए भाई क्या हो गया, ए किधर जा रहा है? भाई ये कोडी रोड्स तो हमारा टीम मेंबर है, काय को हमको धोखा देके जा रहा है? भाई चलता है यार गेम में, कोई किसका भी हाथ किसको भी लग जाता है, मेरे को खुद कितना टपली लगा है सबका, मैं थोड़ी ना रिंग छोड़ के भाग रहा हूँ। हेलीकॉप्टर, ये देखो ये ड्रू मैकइंटायर का हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, मैं तेरे को हेलीकॉप्टर बना के बाहर उड़ा दूंगा, समझा? भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ना मैच बहुत ज्यादा बेकार चल रहा है, मेरे पूरे हाथ से निकल गया यार ये मैच, इतना टाइम हो गया भाई, 10 मिनट होने को आए, अभी तक एक बंदा नहीं एलिमिनेट हुआ, एक बंदा अपने से रिंग छोड़ के भाग गया है। भाई पता नहीं उसको क्या दुख था जीवन में। भाई रैंडी ऑर्टन की हालत बहुत खराब है, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आ रहा है, पहला आरकेओ। भाई ये क्लियर आरकेओ तो नहीं था, बट फिर भी इसने बहुत डैमेज दिया, फिर से आ गया ड्रू मैकइंटायर तेरी तो। A few moments later. और ये जेडी मैकडोना कहाँ है? ये देखा आरकेओ। भाई अभी लोग ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है फिन बैलर की वजह। चल भाग यहाँ से, अब तो ये जेडी मैकडोना गया, अब तो ये गया काम से। ये ले आरकेओ। भाई दोनों आरके कोइंसिडेंस ही लगे भाई, नहीं बीच में कोई नहीं आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। अरे तेरी भाई, यहाँ पे 3 पीर होने वाला था, रेफरी के ऊपर कूद गया, कौन कूदा था भाई? भाई मैंने उसका शक्ल नहीं देखा, डोमिनिक तो नहीं था, फिन बैलर था क्या? जेडी मैकडोना
कम ऑन, इस पे तो पिन हो जा भाई। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा भाई। मेरे को नहीं लग रहा है ये लोग में रह के ना मेरा आरकेओ आ सकता है। मैं जा रहा हूँ दूसरे रिंग में। और ये क्या भाई, ये सेमी जेन तब से ये मूर्ति बन के क्यों खड़ा है भाई? क्या हो गया तेरे को भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बवासीर, सॉरी। और यहाँ पे हमारा आरकेओ बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा, इतना क्लोज कि एक पंच किसी को मारूंगा। और ये लो आ गया आरकेओ, जेडी मैकडोना। अब तो तू गया बेटा, अब तो गया देख, अब तू गया देख, अब तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, क्योंकि मैं बहुत धीरे से तेरा गेम बजाने के चक्कर में था। अबे मेरा आरकेओ था वो। और ये क्या, ड्रू मैकइंटायर तो इनकी टीम में है ना भाई? ये क्या चल रहा है? मैंने आरकेओ दिया जेडी मैकडोना को, उसको आके पिन कर लिया ड्रू मैकइंटायर ने, जो कि उसकी टीम का बंदा था। भाई ये टीम कब बदली बे? गद्दारी कर बे, तोरी भंडारी कर बे। कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे आरकेओ के वजह से एक बंदा तो एलिमिनेट हुआ। बात तो सही है भाई, मेरा आरकेओ आ गया, मेरा आरकेओ आ गया, मेरा आरकेओ आ गया। तो क्या नाचोगे? कम ऑन विन बैलर, लेट्स हैव आरकेओ। भाई दरवाजा खुल गया इतना देर। अबे तेरी, तू खड़ा कैसे हो गया आरकेओ खा के? भाई ये क्या चल रहा है? ये ले, अब तू गया। अबे सेथ रॉलिंस तेरी, कम ऑन 1 2। अरे नहीं, अरे नहीं भाई, कम ऑन, एक और डीडीटी लगा देता हूँ इसी कोशिश में कि पिन हो जाएगा, फिर से नहीं हुआ भाई। पिन बैलर, तेरी जगह दूसरा कोई होता ना, डोमिनिक या डेमियन प्रीस्ट भी, वो अभी तक एलिमिनेट हो गया होता। मैं हार नहीं मानूंगा भाई, मैं हार नहीं मानूंगा। 1 2 एक फिर से, अब जब तक तू मरेगा नहीं इस रिंग के अंदर, तब तक मेरे को चैन नहीं है। कम ऑन 1 2 क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है साले? डेमियन प्रीस्ट तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, बीच में मत आ। फिन बैलर को इतना मार रहा हूँ, वो किक आउट कर दे रहा है ना, तू तो किक आउट भी नहीं कर पाएगा, एक ही बार में एलिमिनेट हो जाएगा, समझा? कम ऑन, क्या लगा दिया मैंने? ओ भाई, स्कल क्रशिंग फिनाले लगा दिया यहाँ पे। पिन 1 2 3 भाई, दो जजमेंट डे के मेंबर्स एलिमिनेट, और एक आरकेओ लगा दिया डोमिनिक को। कम ऑन जल्दी से पिन, ओ जेउसो ने पिन कर दिया। 2 3 ये भी गया। भाई फिन बैलर एक ऐसा बंदा है जिसको पिन करने के चक्कर में एड़ी से लेके सर तक का पूरा जोड़ लगा दिया था मैंने, 500 बार मैंने उसको पिन किया, बट हर बार उस बंदे ने किक आउट कर दिया। और ये देखो, ये दोनों बंदे तो एक ही बार में गए भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। बट अब सिर्फ रिंग के अंदर बचा है फिन बैलर। ओ अब किसका झगड़ा किससे हो गया भाई, अब जेउस होगा किससे झगड़ा हो गया? तो भाई अब हमारे सामने सिर्फ ड्रू मैकइंटायर और फिन बैलर बचे हैं, और फिन बैलर तुझे तो बहुत गंदी मौत दूंगा बेटा। चल रेफरी पिन कर, मालूम है किक आउट करने वाला है, बट फिर भी ओके। रैंडी ऑर्टन का आइकॉनिक मूव आ रहा है भाई, डीडीटी, जो कि वो रॉब के बीच में से देता है और दे दिया भाई। अब यार ये जेउस किसके साइड में है यार, ये मेरे को काहे के लिए मार रहा है ऐसी की तैसी? भाई मेरे टीम का तो समझ ही नहीं आ रहा है। कोडी रोड्स पहले छोड़ के भाग गया, सेमी जेन उधर अटका पड़ा है, जे उस उल्टा मेरे को ही मार रहा है। बट कुछ भी हो जाए भाई, हर एक जजमेंट डे के बंदे को ना रैंडी ऑर्टन ने खत्म किया, या तो रैंडी ऑर्टन ने उसको खुद पिन करके खत्म किया, या तो रैंडी ऑर्टन के आरकेओ लगाने के बाद किसी और ने उसको पिन किया है। मतलब हर किसी को एलिमिनेट करने के पीछे रैंडी ऑर्टन का ही हाथ है। और ये लगा फिन बैलर को, कम ऑन इस बार पिन भाई। भाई पता नहीं, मैंने 3 नंबर तो नहीं देखा था, बट फाइनली फिन बैलर जाके एलिमिनेट हो चुका है भाई। जो सुकून अभी इसको एलिमिनेट करके मिल रहा है ना भाई, वो भी लास्ट मोमेंट तक। उसने इस बार भी किकआउट नहीं किया था, वो तो गलती से पता नहीं कैसे हो गया भाई। मान गए यार फिन बैलर को, फिन बैलर ऐसे ही नहीं, मेरा फेवरेट सुपरस्टार था भाई। तो भाई अब कैलकुलेशन के हिसाब से पूरी की पूरी जजमेंट डे तो आउट हो चुकी है, चारों के चारों मेंबर, जिसका इकलौता रीजन है रैंडी ऑर्टन। जी हाँ, उसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया है सिवाय क्रेडिट खाने के अलावा। रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देता था और आके क्रेडिट खा जाते थे। तो भाई अब रिंग के अंदर सिर्फ 4 जन बचे हैं भाई, मतलब हमको सिर्फ ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेट करना था क्या भाई? जेउसो को, ये क्या हो रहा है भाई? भाई जे, अबे जजमेंट डे कहाँ से विन हो गई? 1 सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैच के बीच में ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन की टीम बन गई, बाद में वो
गाइस मेरा दिमाग फट जाएगा, बट कोई बात नहीं, हमारा ये मैच तो खत्म हो चुका है। अब इसका विनर रैंडी ऑर्टन है या फिर जजमेंट डे, कोई बात नहीं गाइस। आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली WWE की वीडियो में। वैसे अगला कौन सा WWE गेम खेलूं?